गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज क्लास फाइव में मैथ के साथ मैं रवि प्रकाश। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ में प्रश्नावली 6.5 का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं 6.5 में एक्सरसाइज के प्रश्नों को। तो छात्रों, इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है कि 1 मीटर रस्सी का मूल्य 3 सही 1/5 रुपए है। तो 7 सही 8/15 मीटर रस्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रिय छात्रों, जब 1 मीटर रस्सी का मूल्य दिया हुआ है और कई रस्सी का मूल्य यानी 7 सही 8/15 मीटर रस्सी का मूल्य पूछ रहा है, तो ऐसी दशा में हम क्या करेंगे? घुड़ा करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि जब एक वस्तु का या किसी एक का मूल्य दिया रहता है और कई का मूल्य निकालना होता है, तो ऐसी दशा में हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। इसलिए हम यहाँ पर गुणा करेंगे कि जब 1 मीटर रस्सी का मूल्य 3 सही 1/5 रुपए है, तो 7 सही 8/15 मीटर रस्सी का मूल्य निकालने के लिए गुणा करेंगे। तो हल करेंगे कि चूंकि 1 मीटर रस्सी का मूल्य बराबर 3 सही 1/5 रुपए है, इसलिए 7 सही 8/15 मीटर, 7 सही 8/15 मीटर रस्सी का मूल्य निकालना है, इसलिए 7 सही 8/15 मीटर रस्सी का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? तो दोनों का हम गुणा कर देंगे, यानी 7 सही 8/15 गुणे 3 सही 1/5। ये 3 सही 1/5 1 मीटर रस्सी का मूल्य है और हमको 7 सही 8/15 मीटर रस्सी का मूल्य निकालना है, तो क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। अब इसी को हम हल कर लें। तो हल करेंगे तो इसका गुणा हम इसमें करेंगे और जितना आएगा उसमें इसको जोड़ देंगे, यानी 15 में 7 का गुणा करेंगे तो 15 सत्ते 105 और 8 जोड़ेंगे तो 113/15 गुणे, इसका भी वैसे ही कर लें, 5 का गुणा 3 में तो 15 होगा और 1 जोड़ेंगे तो 16 16/5। अब ये दोनों भिन्नों का गुणा हो गया। अब क्या करेंगे कि अंश का गुणा अंश में कर दें और हर का गुणा हर में कर दें। तो 113 का 16 में गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 1808 और 15 का 5 में गुणा करेंगे तो 15 25 75। अब इसके बाद इसको हम छोटा करने के लिए 1808 में 75 से भाग कर दें तो आंसर हमको मालूम हो जाएगा, यानी 1808 में 75 से हम भाग कर दें तो जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसलिए भाग कर लें हम, तो भाग करेंगे तो ये 24 बार जाएगा, 24 बार 1800 हो जाएगा और 8 शेष बचेगा तो 8/75 इतना रुपया हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। यानी जब 1 मीटर रस्सी का मूल्य 3 सही 1/5 रुपया है तो 7 सही 8/15 मीटर रस्सी का मूल्य कितना होगा? तो 24 सही 8/75 रुपया, 24 सही 8/75 रुपया यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि 8 पैंटों में 18 सही 3/5 मीटर कपड़ा लगता है, ज्ञात कीजिए कि 1 पैंट में कितना कपड़ा लगेगा। तो प्रिय छात्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि जब एक का मूल्य दिया हुआ हो और कई का मूल्य निकालना हो तो ऐसे दशा में हम गुणा करते हैं, लेकिन जब कई का मूल्य दिया हुआ हो और एक का मूल्य निकालना हो तो ऐसे दशा में हम क्या करते हैं? भाग करते हैं। इसलिए हल करेंगे कि चूंकि
आठ पैंटों में लगा कपड़ा, यानी आठ पैंटों में कुल कितना कपड़ा लगता है, तो 18 सही 3/5 मीटर, 18 सही 3/5 मीटर, या इसको हम बदल करके इतना भी लिख सकते हैं कि 5 का 18 में गुणा करेंगे और जितना आएगा उसमें 3 जोड़ेंगे, तो 5 में 18 का गुणा करेंगे 90 हो जाएगा, 90 में 3 जोड़ेंगे तो 93/5 मीटर। इसलिए एक पैंट में पूछ रहा है कि एक पैंट में कितना कपड़ा लगेगा, इसलिए एक पैंट में लगा कपड़ा बराबर क्या करेंगे कि 18 सही 3/5 में 8 से भाग कर देंगे, कि 18 सही 3/5 या 18 सही 3/5 या 93/5 में 8 से भाग कर देंगे, तो हो जाएगा 93/5 / 8। अब इसी को हम हल कर लें कि 93/5 / 8 के नीचे हम बट्टे लगाकर एक कर दें तो ये भी भिन्न में हो जाएगा। अभी इसके बाद हम व्युत्क्रम के हिसाब से इसको हल करेंगे कि 93/5 और यहाँ पे भाग के स्थान पर गुणे का चिन्ह लगा देंगे और इसका हम व्युत्क्रम कर देंगे, जिसका भी जिससे भी भाग करना होता है उसका हम व्युत्क्रम यानी उल्टा कर देते हैं, तो 8/1 का व्युत्क्रम 1/8 हो जाएगा। अब दोनों भिन्नों का गुणा हो गया, अब अंश का गुणा अंश में कर देंगे और हर का गुणा हर में, तो 93/1 में गुणा करेंगे तो 93 होगा और 5/8 में गुणा करेंगे तो 40 होगा, यानी 93/40, 93 में 40 से भाग करें तो 2 बार जाएगा और 13 शेष बचेगा, यानी 2 सही 13/40 मीटर, 2 सही 13/40 मीटर, यानी एक पैंट में कितना कपड़ा लगेगा, तो 2 सही 13/40 मीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 4 सही 8/11 किलोग्राम सेवों का मूल्य 63 सही 2/5 रुपये है, तो 1 किलो सेवों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रिय छात्रों, यह भी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 से मिलता जुलता है कि यहाँ पर भी जब 4 सही 8/11 किलोग्राम सेवों का मूल्य दिया हुआ है तो 1 किलोग्राम सेवों का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, भाग कर देंगे, इसलिए इसको आप हल कीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कि 2 संख्याओं का गुणनफल 17 सही 1/9 है, यदि एक संख्या 4 सही 2/5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रिय छात्रों, हल करेंगे कि 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है, तो 17 सही 1/9, या इसको हम बदल कर 154/9 भी लिख सकते हैं, यानी 9 का 17 में गुणा करेंगे और जितना आएगा उसमें 1 जोड़ेंगे तो 154/9 होगा। फिर एक संख्या दिया हुआ है, एक संख्या बराबर कितना दिया है, तो 4 सही 2/5, या इसको भी हम बदल लें तो 5 का 4 में गुणा करेंगे तो 20, 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22/5। तो क्या पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे कि चूंकि दूसरी संख्या बराबर इसमें दोनों संख्याओं के गुणनफल में एक संख्या से भाग कर देंगे, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 154/9 है, इसमें हम एक संख्या जो दिया हुआ है उससे हम भाग कर दें, इसलिए 154/9 / 22/5। अब इसको हम हल करेंगे तो 154/9, फिर अब यहाँ पे व्युत्क्रम का सहारा लेंगे, यानी व्युत्क्रम के माध्यम से हल करेंगे तो भाग के स्थान पर गुणे का चिन्ह हो जाएगा और 22/5 का व्युत्क्रम करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो 22/5 का उल्टा
पांच बट्टे बाईस होगा। अब यहां पर हम देखें कि 22 और 154 ये 11 से कट सकता है, 11 से ये दोनों कट सकता है, यानी 11 दूना 22 और 11 से 154 14 बार में कट जाएगा। अब इसके बाद अंश का गुणा हम अंश में कर दें और हर का गुणा हर में, तो 14 का 5 में गुणा करेंगे तो 70 और 9 का 2 में गुणा करेंगे तो 18, यानी 70/18। अब 70 में 18 से भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा और 16 शेष बचेगा, यानी 3 सही 16/18। अब यहां पर भी हम देखें तो 16 और 18 ये 2 से कट सकता है, इसलिए 2 से 16 8 बार में और 2 से 18 9 बार में, यानी आंसर हो जाएगा आपका 3 सही 8/9। यानी दूसरी संख्या क्या होगा, 3 सही 8/9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है कि मिठाई के 5 डिब्बों का द्रव्यमान 9 सही 13/23 किलोग्राम है। मिठाई के 8 डिब्बों का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो प्रिय छात्रों, यहां पर हम देखें कि 5 डिब्बों का द्रव्यमान इतना दिया हुआ है, तो 8 डिब्बों का द्रव्यमान पूछ रहा है, यानी वजन पूछ रहा है। तो प्रिय छात्रों, सबसे पहले हम यहां पर 1 डिब्बे का द्रव्यमान निकालेंगे, कि जब 5 डिब्बों का द्रव्यमान इतना दिया हुआ है तो 1 डिब्बे का द्रव्यमान क्या होगा। तो 1 डिब्बे का द्रव्यमान निकालने के लिए इसमें 5 से भाग कर दें तो 1 डिब्बे का द्रव्यमान मालूम हो जाएगा, और जब 1 डिब्बे का द्रव्यमान मालूम हो जाएगा तो फिर जितने डिब्बे का पूछेगा, तो 8 डिब्बे का पूछ रहा है तो 8 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। इसलिए हल करेंगे कि चूंकि मिठाई के 5 डिब्बों का द्रव्यमान बराबर 9 सही 13/23 किलोग्राम, इसलिए मिठाई के 1 डिब्बे का द्रव्यमान बराबर क्या होगा, तो 9 सही 13/23 में 5 से भाग करेंगे, 9 सही 13/23 भागा 5। अब इसको हम हल करें तो 23 में 9 का गुणा करेंगे और जितना आएगा उसमें 13 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 220/23 भागा, यहाँ 5 के नीचे हम बटे लगाकर 1 कर दें तो ये भी हर हो जाएगा, यानी 5/1। अब इसके बाद 220/23, अब यहाँ पर हम इसका व्युत्क्रम करेंगे तो व्युत्क्रम करते समय भाग के स्थान पर गुणे का चिन्ह हो जाएगा और इसका व्युत्क्रम यानी उल्टा कर देंगे, 5/1 का व्युत्क्रम 1/5 हो जाएगा। अब 5 से यहाँ पर देखें कि 5 से 220 कट सकता है, तो 5 एकम 5 और 5 से 220 44 बार में, 5 चौको 20 फिर 20 होगा, 5 चौको 20 44 बार में। अब 44 का गुणा 1 में कर देंगे तो 44 होगा और 23 का गुणा 1 में करेंगे तो 23, यानी अंश का अंश में गुणा करेंगे और हर का हर में, तो 44 का 1 में गुणा करेंगे तो 44 और 23 का 1 में गुणा करेंगे तो 23 किलोग्राम। ये 44/23 किलोग्राम 1 डिब्बे का द्रव्यमान मालूम हो गया, इसलिए कितने डिब्बे का द्रव्यमान निकालना है, तो 8 डिब्बों का द्रव्यमान निकालना है, इसलिए जब 1 का द्रव्यमान 44/23 है तो 8 का द्रव्यमान निकालने के लिए 8 से उसमें गुणा कर देंगे, तो इसलिए मिठाई के 8 डिब्बों का द्रव्यमान बराबर 44/23 गुणे 8। अब इसको हम हल कर लें तो 44/23 गुणे 8 के नीचे हम बटे लगाकर 1 कर दें, ये भी हर हो जाए, भिन्न में हो जाएगा। अब इसके बाद अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में कर दें,
तो 44 का 8 में गुणा करेंगे तो 352, और 23 का 1 में गुणा करेंगे तो 23, यानी 352/23। अब इसको भाग के द्वारा हम छोटा कर दें, यानी 352 में 23 से भाग करेंगे तो आएगा आपका 15 सही 7/23 किलोग्राम, 15 सही 7/23 किलोग्राम, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी जब 5 डिब्बों का द्रव्यमान 9 सही 13/23 किलोग्राम है तो 8 डिब्बों का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 15 सही 7/23 किलोग्राम, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा ही है, हल कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 27 लीटर दूध को स्कूल के बच्चों में बराबर बराबर बांटा जाता है, यदि प्रत्येक बच्चे को 9/19 लीटर दूध मिलता है तो ज्ञात कीजिए कि स्कूल में कितने बच्चे हैं। तो प्रिय छात्रों, हल करेंगे कि कुल दूध बराबर 27 लीटर, प्रत्येक बच्चे को दिया गया दूध बराबर कितना, प्रत्येक बच्चे को दूध दिया जाता है तो 9/19 लीटर, 9/19 लीटर। इसलिए स्कूल में बच्चों की संख्या, यही हमको निकालना है कि जब कुल 27 लीटर दूध है और प्रत्येक बच्चे को 9/19 लीटर दूध दिया जाता है तो इस प्रकार स्कूल में कुल बच्चों की संख्या कितनी है। तो ये ज्ञात करने के लिए हम कुल दूध में यानी 27 में 9/19 से भाग कर देंगे। तो भाग करेंगे तो 27 के नीचे हम बटे लगाकर एक कर दें, ये भिन्न हो जाएगा, और फिर इसका हम व्युत्क्रम कर दें और भाग के स्थान पर गुणे का चिन्ह लगा दें। तो भाग के स्थान पर गुणे का चिन्ह और 9/19 का व्युत्क्रम करेंगे तो 19/9 हो जाएगा। अब 9 से 27 तीन बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 9 से 27 तीन बार में कैंसिल हो जाएगा, तो अब 3 का गुणा हम 19 में कर देंगे तो 19 57, 19 का 3 में गुणा करेंगे तो 57 आएगा। यानी उस स्कूल में कुल कितने बच्चे हैं तो 57 बच्चे हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि 2 सही 2/9 लीटर पेट्रोल का मूल्य 16 सही 2/3 रुपए है, तो 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रिय छात्रों, यहां पर भी हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। जब 2 सही 2/9 लीटर पेट्रोल का मूल्य इतना दिया है तो 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य निकालने के लिए 16 सही 2/3 में 2 सही 2/9 से भाग कर देंगे तो 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य मालूम हो जाएगा। इसको आप हल कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 कि एक व्यक्ति 1 घंटे में 3 सही 13/20 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो ज्ञात कीजिए कि वह 1 दिन में कितनी दूरी तय करेगा। यानी जब 1 घंटे में 3 सही 13/20 किलोमीटर दूरी तय करता है तो 1 दिन में वह कितना दूरी तय करेगा, यही हमको निकालना है। तो प्रिय छात्रों, यहां पर भी हम क्या करेंगे कि गुणा करेंगे, कि चूंकि 1 घंटे में इतना दूरी तय करता है तो 1 दिन में कुल कितना दूरी तय करेगा। तो हमें पता है कि 1 दिन बराबर कितना घंटे होते हैं, 24 घंटे, 1 दिन में कुल 24 घंटे होते हैं। इसलिए जब 1 घंटे में इतना दूरी तय करता है 3 सही 13/20, तो 1 दिन में 24 घंटे होते हैं तो 24 से गुणा कर देंगे तो 1 दिन में चली गई दूरी मालूम हो जाएगी। तो हल करेंगे कि एक व्यक्ति द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी बराबर 3 सही 13/20 किलोमीटर, 3 सही 13/20 किलोमीटर
या इसको हम बदलें तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 60 हो जाएगा, और 60 में 13 जोड़ेंगे तो 73, 73/20 किलोमीटर, यानी एक घंटे में तय की गई दूरी 3 × 13/20 या 73/20 किलोमीटर। अब एक दिन में तय की गई दूरी ज्ञात करना है, तो चूंकि एक दिन बराबर कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, इसलिए एक दिन में तय की गई दूरी बराबर जो एक घंटे में दूरी तय कर रहा है उसमें 24 घंटे से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 3 × 13/20 किलोमीटर यानी 73/20 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो इसलिए एक दिन में कितना दूरी तय करेगा, तो एक दिन बराबर 24 घंटे, तो 24 से गुणा करेंगे यानी 73/20 में 24 से गुणा कर देंगे। तो इसको हल करेंगे तो 73/20 गुणे 24 के नीचे हम बटे लगाकर एक कर दें, ये भी भिन्न हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखें कि 20 और 24 ये दोनों आपका कट सकता है, 4 से काटें तो दोनों 4 से कट जाएंगे, 4 से 20 5 बार में और 4 से 24 6 बार में। अब इसके बाद अंश का गुणा अंश में कर दें और हर का गुणा हर में, तो 73 का 6 में गुणा करेंगे, 73 गुणे 6 और 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5, तो 73 का 6 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 438/5। अब इसको छोटा करने के लिए भाग करेंगे 438 में 5 से, तो आएगा आपका 87 × 3/5 किलोमीटर, 87 × 3/5 किलोमीटर, यानी जब एक घंटे में 3 × 13/20 किलोमीटर दूरी तय करता है इसलिए वो एक दिन यानी 24 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, तो 87 × 3/5 किलोमीटर दूरी तय करेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 कि एक पेंसिल का मूल्य 9/5 रुपये है। अंकित ने एक दर्जन पेंसिल खरीदने के लिए दुकानदार को 50 रुपये का एक नोट दिया। ज्ञात कीजिए कि दुकानदार ने अंकित को कितना धन वापस किया। तो प्रिय छात्रों, जब एक पेंसिल का मूल्य 9/5 रुपये है और एक दर्जन पेंसिल अंकित खरीद रहा है, तो पहले हम एक दर्जन पेंसिल का मूल्य निकाल लें। तो एक दर्जन बराबर 12 वस्तुएं होती हैं, यानी एक दर्जन पेंसिल का मतलब 12 पेंसिल वो खरीद रहा है, तो पहले 12 पेंसिल का मूल्य ज्ञात कर लें कि 12 पेंसिल का मूल्य कितना होगा। तो जितना आएगा उसमें, जितना आएगा उसमें उसको हम 50 में से माइनस कर देंगे। एक दर्जन पेंसिल यानी 12 पेंसिल का पहले मूल्य निकाल लें, जब एक दर्जन यानी 12 पेंसिल का मूल्य मालूम हो जाएगा तो 50 में से पेंसिल का मूल्य माइनस कर देंगे, तो शेष जो बचेगा उतना ही पैसा दुकानदार अंकित को वापस करेगा। इसलिए हल करेंगे कि चूंकि एक पेंसिल का मूल्य बराबर 9/5 रुपये है, चूंकि एक दर्जन बराबर कितने पेंसिलें होंगी, 12 पेंसिलें, एक दर्जन में कितने पेंसिलें होंगी, 12 पेंसिलें, क्योंकि एक दर्जन बराबर 12 वस्तुएं होती हैं, तो जब पेंसिल खरीद रहा है तो एक दर्जन में कुल 12 पेंसिलें होंगी। तो इस प्रकार पहले एक दर्जन पेंसिलों का मूल्य हम निकाल लें कि एक दर्जन पेंसिलों का कुल कितना मूल्य होगा। इसलिए एक दर्जन पेंसिलों का मूल्य बराबर, जब एक पेंसिल का मूल्य 9/5 है तो 12 पेंसिलों का मूल्य निकालने के लिए उसमें गुणा कर देंगे, यानी 9/5 × 12। अब 9/5 × 12 के नीचे हम बटे लगाकर एक करते हैं, यह भी भिन्न हो जाएगा। अब
नौ का गुणा हम 12 में कर दें, यानी अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में, तो 9 का गुणा 12 में करेंगे तो 108, और 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5। अब इसको 108 में 5 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 21 सही 3/5 रुपये, या 108 बटे 5 रुपये माने, या 21 सही 3/5 रुपये, यानी 12 पेंसिलों का मूल्य कितना हो रहा है, 108/5 रुपये, या 21 सही 3/5 रुपये। अब पूछ रहा है कि जब अंकित ने दुकानदार को 50 रुपये 12 पेंसिलों के लिए दिया, तो दुकानदार उस 50 रुपये में से कितना पैसा वापस करेगा अंकित को। तो वापस किया हुआ धन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 50 रुपये में से जो 12 पेंसिलों का मूल्य निकला है 108/5, इसको हम माइनस कर देंगे। इसलिए 50 रुपये देने पर दुकानदार द्वारा वापस किया गया धन बराबर 50 में से 12 पेंसिलों का जो मूल्य आया है 108/5, इसको हम घटा देंगे। अब इसको हम हल करेंगे, 50 माइनस 108/5, तो हल करते समय यहाँ पर भी हम बटे लगा कर एक कर दें, ये भी भिन्न हो जाएगा। इसके बाद एक और 5 का हम एलसीएम निकाल लें तो 5 होगा। अब एक से 5 में भाग करेंगे तो 5 बार जाएगा, और 5 का गुणा हम 50 में करेंगे तो 250, फिर माइनस है तो माइनस का चिन्ह, फिर 5 से 5 एक बार में, और 108 में 1 का गुणा करेंगे तो 108 ही होगा। अब 250 में से 108 माइनस करेंगे तो 142/5 आएगा, 142/5, तो 142/5 आ रहा है, तो 142 में हम 5 से भाग कर दें, 142 में 5 से भाग कर दें तो ये आएगा आपका 28 सही 2/5 रुपये, 28 सही 2/5 रुपये। यानी जब दुकानदार को 50 रुपया अंकित देगा तो वह 12 पेंसिलों का मूल्य 108/5 रुपया काटने के बाद कितना वापस करेगा, तो 28 सही 2/5 रुपया वापस करेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि एक कक्षा में 68 बच्चे हैं, प्रत्येक ने 3/4 रुपये झंडे के लिए जमा किए, तो ज्ञात कीजिए कि कक्षा में कुल कितना धन जमा हुआ। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पर कुल कितना धन जमा हुआ यह निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 68 में 3/4 से गुणा कर देंगे, क्योंकि जब एक बच्चा 3/4 रुपये झंडा के लिए जमा कर रहा है तो ऐसे 68 बच्चे जब जमा करेंगे तो कुल कितना धन प्राप्त होगा यह निकालने के लिए 68 में 3/4 से हम गुणा कर देंगे, तो कुल जमा धन मालूम हो जाएगा। तो हल करेंगे कि एक कक्षा में कुल छात्रों की संख्या बराबर 68 बच्चे, यानी एक कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं, तो 68 बच्चे, प्रत्येक बच्चे द्वारा झंडे के लिए दिया गया धन बराबर 3/4 रुपये, प्रत्येक बच्चे द्वारा झंडे के लिए जमा किया गया धन कितना है, 3/4 रुपये। इस प्रकार कक्षा में कुल जमा धन बराबर कितना होगा, तो 68 में 3/4 से गुणा कर देंगे, तो 68 × 3/4। अब 68 के नीचे हम बटे लगा कर एक कर दे तो यह भी भिन्न हो जाएगा, गुणे 3/4। अब 4 से 68 17 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब 17 का गुणा 3 में करेंगे तो 17 का गुणा 3 में करेंगे तो 51 रुपया होगा, यानी कुल कितना रुपया जमा होगा, तो कुल 51 रुपया जमा होगा। यदि उस क्लास में कुल 68 बच्चे हैं और प्रत्येक 3/4 रुपया जमा करते हैं तो इस प्रकार उस क्लास में कुल 51 रुपये जमा होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो
तो प्रिय छात्रों, शेष इसी प्रकार प्रश्नों को आप हल करें। थैंक यू।